हेलो गाइज, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। और आज डे है बुधवार, सावन का सातवां दिन है। और अभी मैं बिल्कुल मंदिर जाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ और मैंने पूजा की थाली भी तैयार कर ली है। तो अभी मैं सुबह जल्दी उठ गई थी 5 बजे और मैंने बेटे का लंच बॉक्स पैक किया, बेटे को स्कूल भेजा और अभी मैं बिल्कुल तैयार हो गई मंदिर जाने के लिए। मंदिर जाने के बाद आती हूँ, फिर आज मैं अपने ब्लॉग में एक सलवार कटिंग करके सिलाई करना बताऊंगी, जो आजकल बहुत ही ज्यादा चल रही है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर समय बाद। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं बता रही थी, आज अपनी वीडियो में मैं एक नई तरीके से सलवार काटना बताऊंगी। तो ये सलवार मैंने पहले ही काट ली है, अब मैं इसमें बताती हूँ। ये पल्ले जो हम नॉर्मल सलवार काटते हैं उसी टाइप से हमारे पल्ले निकल जाएंगे, तो ये पल्ले हमने निकाल लिए हैं। बाकी बचे हुए कपड़े को हम डबल फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद इसमें 6 कली कटती हैं, दो ये और दो ये। सबसे मेन कारण यही होता है इस सलवार का, कि ये जो पतली जो कली कटती है दो, ये यहाँ से उठा के और हमें इस वाले पार्ट पे लगती है, बड़े वाले पार्ट पे। और इस पे लगाने के बाद ये वाला जो पार्ट होता है, ये हमारे सलवार की जो सामने वाली कली होती है वो होती है। ये दोनों कली सामने आनी चाहिए। ध्यान रहे कि ये जो जोड़ा है वो सामने आए और ये बैक में जाएं। इस सलवार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सबसे हैवी सलवार तो बनती ही है, साथ में ये हम जब बैठते हैं तो जमीन में नहीं टिकती है और पीछे से फुल पटियाला की तरह दिखती है। सिलने में थोड़ी सी कठिनाई होती है क्योंकि इसमें ये उरेब से कटती है। तो इसके काटने का तरीका बताऊं, अभी हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम 9 इंच का आसन, जितना आसन हमारा होता है वो ले लेंगे। उसके बाद इस आसन को उस कोने से हम मिला देंगे। फिर यहां से यहां तक हमारा जो भी आसन हमने 9 लिया 10 लिया जो भी आसन लिया वहां से, और हम इस कोने पे मिला देंगे इसको। यहां तक मिलाने के बाद अब ये हमारे कुछ इस प्रकार से कट जाएंगी। ये कली कट गई। उसके बाद ये बीच वाली जो कली है तिरछी, और ये हमारा साइड में पल्ले के साथ जुड़ता है, इससे हमारी प्लेटें बनती है। ये तो हमारा बैक में जाएगा, इसमें तो कोई प्लेट बनेगी नहीं। इसके बाद ये हमारा आता है फ्रंट कली, जो ये बड़ी कली निकली है वो। इसमें क्या होता है कि ये जो हमने छोटी कली निकाली थी, इसको इस टाइप से रख के ये पतली किनारे से किनारी रख लेते हैं, पतला साइड इस तरफ रख देते हैं, ये हमारे पल्ले में जुड़ जाएगा और ये हमारा आसन आ जाएगा। ये आसन है और इसमें से हम ऐसे प्लेट डालते हुए आएंगे। और ये सबसे मेन बात है कि जो भरी हुई चीज होती है, इसी की वजह से हमारी सलवार जमीन में टिकती नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसकी फुल वीडियो में कटिंग एंड स्टिचिंग अगली वीडियो में डालूंगी, वीडियो पूरी देखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी न्यू सलवार कटिंग, ये मेरी वीडियो देख के जरूर बताना और अगले पार्ट का इंतजार करना, जिसमें मैं इसी सलवार को स्टिच करके दिखाऊंगी। ये इसकी बेल्ट है, ये कलियां हो गई सामने वाली, ये बैक और ये पल्ले। ये 3 मीटर कपड़े में, 3.5 मीटर में या 2.5 मीटर में, जितने भी कपड़े में हम बनाना चाहते हैं, फुल पटियाला बनती है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।